रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक कथा है, एक किसान था, उसका उसकी पत्नी, एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से और छोटा पुत्र था वो उससे उनसे काफ़ी उम्र में छोटा था, छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे, कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उसमें 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, तो उसके पति और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूँगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। अब उसने 500 रुपये लिए, उस समय कहाँ 5,000 थे, उन्होंने सोचा 500 में पीछा छुट्टा ही बता। तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया, वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। एक वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई, और गुणा खुश हो गए, कुछ सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावें, लाड से पाले पोसे, गणे दिनों में वो गबरू हो गया, जवान हो गया, युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा, अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया, यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के की का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था, उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज़्यादा रोगी हो गया और एकी बैकी बात कर रहा है, उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो बोला, लड़का बोला, तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है, और सुन, मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था। और भले पुरुष, मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी जमीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे, अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया, लेकिन एक बात बता,
मने तो हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया, अब ये तेरी पत्नी है इसने क्यों बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उसमें सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी, इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारा बाट। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझ नहीं रहा, उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। अपने आत्मा जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे, लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग में ना होगा, लेकिन बहन उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने, और चर्चा चलावेगी न्योंक के बहू का कोई बालक नहीं हुआ, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के, तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है चाहे हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो, और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है, भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार माज में भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है, उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा, और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8-8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो, अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते, हमने परमात्मा पाना है सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रख है ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें, यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना, उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे आप अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हों जब बात बने, अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे कि गधा बन रहे थे, परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूँगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब गहनी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में, और नहीं मानेंगे
तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होएगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ, एक बहन, वैसे तो बहुत सी ऐसी पर, 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 बहुत सी ऐसे उदाहरण है यहाँ पे जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता कि ना हमने संतान चाहिए नहीं, और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जाए बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अब ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो ये भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन को ने कभी तो संतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता को जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तो गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, दो लड़की गर्भ में दो बच्चे हो गए एक कब्र में, और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुँह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। दो दी कठी है, अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी ने बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। एक साल के बाद दो और गर्भ में चेक करा ली, बोला दो लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, इबले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरडावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता था, और भी काफ़ी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जो जिस समय में पहले गिरता था उसे आगे बढ़ गया, दो महीने और निकल गए, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को, उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी, हम खाना खा कर आगे वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है, और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे उन्हीं के दूसरे के घर में, सारे बाथरूम में ब्लड ब्लड हो गया, वो तो रो रो कर सारी रात उसने तो आँखें सुजा ली। मैंने उसको फ़ोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो, उसकी सास आ गई। उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना की जी आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए, मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है, और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी, कोई बात। हम आगे खाना खुना खा के चल भाई ठीक है, जो जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती।
फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भदानी बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अला दिखा कर आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी वेल अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन कह बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, फिर फोन आया, ओए होए, अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का आए हैं। अब अगले दिन वो दोनों आई सास बहू वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुशोरी वाली लड़की, मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की वह लड़की पाई, अब वह फिर रो वह लड़की उसकी पुत्र वधु, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी, मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तेन रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया दाता ने, तेरी नालाकी देख कर किया था क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं, और फिर लड़का देता उसी आत्मा को लड़का बना कर देता, अब रोले अपने कर्म। अब हम हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा, ऊंट पर समान दर है ना उसने लद है, और जब भी नौकरा जब भी रोया करे बहुत बुंडा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे जब समान ने तारा करे ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बुंडा करे मेरी गेलिया, अब भी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के, अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोवा, और दुख में तो रोना है रोना वो तले स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी गुरु जी के वचन का, मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं, और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका सुसर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था, तो उसकी उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह होगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी इसका, हम गर्भपात नहीं करेंगे, वो लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है, अब लड़का दे देता उसको, उस संस्कार टाले था लड़की वाला, ले कह के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है, फिर अगले बार उसको लड़का दिया, आज भी वो लड़की और उसके साथ सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तो एक लड़का तो ये जाता है, वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हरिया तमन्ना रखे 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ मरगी सर पर धर लो लड़का कौन पालेगा, तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जो सी समझ में आवाय कर लियो और वाय पूरी कर देंगे भगवान। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।